मार्केट में ऐसे बहुत सारे कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इनमें से कौन सा बेहतरीन है, किसकी आपको कैपेसिटी अच्छी मिलेगी, किसमें वारंटी अच्छा मिल रहा है, उस ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी किसका अच्छा है, और साथ ही आपके बजट के हिसाब से कौन सा वैक्यूम क्लीनर बेहतरीन होने वाला है, आज की वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ। मैंने आपके लिए कुछ ऐसे 5 बेहतरीन वैक्यूम क्लीनर मैंने चुना है जिसकी रिव्यू काफ़ी अच्छी है जिन लोगों ने खरीदा है, साथ ही मैंने भी काफ़ी रिसर्च किया इन वैक्यूम क्लीनर को लेकर। तो चलिए हम जानते हैं कुछ ऐसे 5 बेहतरीन वैक्यूम क्लीनर के बारे में जो अलग अलग प्राइस सेगमेंट है, अलग अलग स्पेसिफिकेशन है और स्पेसिफिकेशन इसकी काफी बेहतरीन है। तो अगर आपको मान लीजिए कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर खरीदना है तो आपके लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कुछ ऐसे 5 बेहतरीन वैक्यूम क्लीनर के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन जायसवाल और आप देख रहे हैं आपको चैनल टेक विद 24/7। दोस्तों शुरुआत करने से पहले आपसे गुजारिश, अगर आप हमारे चैनल में नए आए तो नीचे देखें सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें ताकि टेक्नोलॉजी की नई नई वीडियो लेकर आते उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो हमारे लिस्ट में दोस्तों पहले नंबर का जो वैक्यूम क्लीनर निकल के आता है वो है अगारो ब्रांड का, और ये दोस्तों पर्सनली मुझे वैक्यूम क्लीनर काफी पसंद है। पहले दोस्तों इस वैक्यूम क्लीनर को मैं बता दूं आपको कि ये एक बहुत ही बजट फ्रेंडली वैक्यूम क्लीनर आपको मिलता है, जिसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करूं तो यहां पर आपको 400 वॉट का पावरफुल मोटर आपको देखने को मिलेगा, साथ ही दोस्तों ये 2-in-1 कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर आपको मिलता है। इसके अलावा इस वैक्यूम क्लीनर में आपको 2000 mAh का बैटरी कैपेसिटी मिलता है, जिसमें कि अगर आपको 3 अलग अलग मोड जैसे इसमें दिया हुआ है, पहला जो है लो, मीडियम और हाई, तो लो मोड में अगर आप इस वैक्यूम क्लीनर को चलाते हैं तो कम से कम जो है आप इसको 1 घंटे यूज कर सकते हैं, साथ ही अगर मीडियम में आप चलाते हैं, इसको मीडियम मोड में अगर आप चलाते हैं तो कम से कम जो है 20 से 25 मिनट आप इसको यूज कर पाएंगे नॉन स्टॉप। साथ ही मान लीजिए अगर हाई कैपेसिटी में इनको चलाते हैं इस वैक्यूम क्लीनर को, तो आप कम से कम 8 से 10 मिनट आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता दूं कि यहां पर आपको ये वैक्यूम क्लीनर को जो फुल चार्ज करने में कम से कम 4 से 5 घंटे आपको लगने वाले हैं। साथ ही दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि ये 2-in-1 वैक्यूम क्लीनर है, तो आपको यहां पर अलग अलग मोड यहां पर मिल जाता है, यहां पर स्टिक के साथ साथ आपको जो हैंड हेल्ड का भी फीचर आपको इसमें मिलता है, जिसमें आप अपने रिक्वायरमेंट के साथ से आप इस वैक्यूम क्लीनर को आप यूज कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों ये जो वैक्यूम क्लीनर आता है काफी अच्छे सक्शन कैपेसिटी के साथ आपको ये देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा इसके ओवरऑल जो सक्शन की जो कैपेसिटी है यानी कि ड्रम जो है इसमें आपको ये 1/2 kg का यहाँ पर मिलता है, यानी कि 1/2 kg का जो है डस्ट ये आप सक कर सकता है, उसके बाद आप जो है इसको क्लीन करके बाद पर यूज कर सकते हैं। साथ ही ये आता है दोस्तों 1 साल के वारंटी के साथ। इसके अलावा ये अगारो सुप्रीम वैक्यूम क्लीनर की जो कीमत है करीब आपको 16,000 में देखने को मिलेगा। वैसे दोस्तों इसे कीमत के हिसाब से मुझे इसका जो स्पेसिफिकेशन मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया और मैं प्रेफर करूंगा अगर मेरा थोड़ा मान लीजिए बजट थोड़ा टाइट है तो मैं तो ये अगारो का सुप्रीम वैक्यूम क्लीनर ही खरीदने वाला। वैसे आपका क्या राय है इसके बारे में मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। दूसरे नंबर का जो कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर निकल के आता है वो प्रोसोनिक ब्रांड का P10, जिसकी अगर मैं फीचर में बात करूँ तो पहला दोस्तों इसमें 260 वॉट का मुझे मोटर कैपेसिटी मिलता है, साथ ही यहाँ पर मुझे 4 अलग अलग सक्शन कैपेसिटी देखने को मिलता है। इसके अलावा है यहाँ पर 0.65 यानी कि 650 ml का जो है यहाँ पर मुझे यहाँ पर टायर कैपेसिटी मिलता है, यानी कि डस्ट ये सक कर सकता है। इसके अलावा इसकी जो बैटरी कैपेसिटी अगर बात करें इसमें 2200 mAh का यहाँ पर बैटरी कैपेसिटी मिलता है, जिसमें आप मान लीजिए मीडियम मोड में अगर आप इसको रखते हैं, इसमें भी ऐसे जैसे 4 अलग अलग मोड्स दिए हुए हैं, जिसमें मान लीजिए मीडियम मोड में रखेंगे तो आप जो है कम से कम 20-25 मिनट तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मान लीजिए हाई मोड में अगर हम इनको रखते हैं तो आप जो है कम से कम 10 से 12 मिनट तक यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर लो मोड में अगर आप रखते हैं तो करीब आप जो है 65 मिनट से लेकर आप जो है 55 मिनट तक जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इस वैक्यूम क्लीनर में आपको 4 अलग अलग टूल देखने को मिलेगा, जिसको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये आता है आपको 1 साल की वारंटी के साथ, और इसकी जो कीमत है करीब आपको 19,000 से 20,000 की कीमत में आपको देखने को मिल जाएगा, और इसका भी मैंने बाइंग लिंक जो अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जितने मैं आपको वैक्यूम क्लीनर बता रहा हूँ दोस्तों सारे के मैंने आपको बाइंग लिंक तो दे दिया है, और मैं जो आपको जो वैक्यूम क्लीनर बता रहा हूँ ये प्राइस सेगमेंट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, देखिए जो भी मिनिमम प्राइस है मतलब जो बजट प्राइस से लेकर मैं आपको हाई प्राइस तक बता रहा हूँ। वैसे दोस्तों आपको बता दूँ ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो मान लीजिए वैक्यूम क्लीनर खरीद रहे हैं जो हाई प्राइस वाले ही आपको ज़्यादा अच्छे होंगे, जैसे मैंने आपको अगारो को वैक्यूम क्लीनर बताया वो लो प्राइस में होते हुए भी जो होते उसमें जो उसकी कैपेसिटी है उसका फीचर है और ओवरऑल जो बिल्ड कैपेसिटी उसमें जो कंपनी ने दी भी है वो हाई एंड वाले जो यहां पर वैक्यूम क्लीनर है जैसे डायसन का हो गया या फिर और किसी ब्रांड के हो गए उससे दोस्तों वो कंपेयर किया जा सकता है। तो क्यों आप जो है 35-40 हज़ार रुपए देंगे हाई ब्रांड के वैक्यूम क्लीनर खरीदने के, उससे बेटर है कि आप जो है 19,000-20,000 का जो वैक्यूम क्लीनर आ रहा या 15,000-16,000 में आपको अगारो ब्रांड का आपको वैक्यूम क्लीनर मिल रहा है आप उसको भी चेक करके आप खरीद सकते हैं। हालांकि दोस्तों मोटर की कैपेसिटी थोड़ी सी आपको कम मिलेगी, लेकिन जो है आपके बेसिक यूज के लिए मान लीजिए
आपको घर पे कुछ ऐसा आपको वैक्यूम क्लीनर खरीदना है या ऑफिस के लिए आपको बेसिक यूज़ के लिए अगर वैक्यूम क्लीनर खरीदना है तो आप इसमें कोई भी इस दोनों तीनों ब्रांड में से आप जो है खरीद सकते हैं। तीसरा नंबर वाला कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर जो निकल के आता है वो एंकर ब्रांड की तरफ से आने वाला है यूफी। और इसकी अगर मैं फीचर के बारे में बात करूँ तो पहला इसमें 120 वाट का आपको जो है यहाँ पर मोटर देखने को मिलेगा। मोटर कैपेसिटी थोड़ी सी कम है लेकिन इसके यहाँ जो फीचर है इस कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर में आपको लगभग जो है बाकी दोनों जो आपको वैक्यूम क्लीनर बताया उसमें जैसा सिमिलर आपको देखने को मिलेगी। और जिसमें भी आपको अलग अलग सक्शन मोड मिल जाता है, अलग अलग आपको टूल मिल जाएगा आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और इसमें भी आपको एक साल की वारंटी आपको देखने को मिलेगी। तो एक चीज़ मुझे थोड़ा सा इसमें ड्रॉबैक लगा कि इसमें मोटर कैपेसिटी थोड़ी सी मुझे यहाँ पर कम मिल रही है और बैटरी कैपेसिटी मुझे यहाँ पर थोड़ा कम मिल रहा है। अगर आप इसको फुल चार्ज करते हैं तो करीब इसको फुल चार्ज होने में आपको जो है 3-4 घंटे लग जाएंगे, लेकिन फुल चार्ज करने के बाद जो है ये 35 मिनट से 40 मिनट आपको ये रन टाइम लेगा। थोड़ा रन टाइम भी इसका कम है। अगर लो मोड में आप यूज़ कर सकते हो 35-40 मिनट्स में लगेगा, लेकिन अगर हाई मोड में करेंगे तो 6-7 मिनट में ही ये जो है रैप अप हो जाएगा। और इसकी जो एक्चुअल जो कीमत है करीब आपको ये 15,000 रुपये कीमत में आपको ये अमेजोन में देखने को मिल जाएगा। इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप जाके चेक कर सकते हैं। अभी चौथे नंबर का कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर निकल के आता है वो है वर्ल्ड के नंबर वन ब्रांड का जिसका नाम है डायसन। और ये जो मॉडल नाम है जिसका मैं बताने वाला हूँ वो है V8 एब्सोल्यूट। आप सोच रहे हो कि मैंने इसको जो है चौथे नंबर पर क्यों रखा है, ये वर्ल्ड का नंबर वन ब्रांड है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं यहाँ पर प्राइस के हिसाब से और ओवरऑल फीचर के हिसाब से मैं आपको वैक्यूम क्लीनर जो बता रहा हूँ उसके हिसाब से पहले ये यहाँ पर जो है इनको मैंने लिस्टिंग किया हुआ था। मेरे हिसाब से दोस्तों जो पहला नंबर पे था जो अगारो ब्रांड, तो मेरे हिसाब से वो प्राइस के हिसाब से और उसके फीचर के हिसाब से दोस्तों वो डायसन का टक्कर देता है। इसके हिसाब से मैंने जो है उसको पहला नंबर पे मैंने रखा, उसके हिसाब से मैंने दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे सारा मैंने प्राइस के हिसाब से उनको रखा हुआ है। हालांकि दोस्तों अगर आपका बजट मान लीजिए दोस्तों अच्छा खासा है, मान लीजिए 30-35 हज़ार का आप अफोर्ड कर सकते हैं तो यहाँ पर डायसन ब्रांड का खरीद सकते हैं आप इस वैक्यूम क्लीनर को। और इसके फीचर के बारे में बात की जाए तो दोस्तों मुझे ये काफ़ी पसंद आया। यहाँ पर रन टाइम काफ़ी अच्छा है। ओवरऑल जो है दोस्तों इसमें बैटरी कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छा आपको मिल रहा है, 60-65 मिनट्स का आपको बैटरी कैपेसिटी मिलता है। ओवरऑल सिमिलर है जैसा आपको को बताया। और लेकिन जैसे यहाँ पर जो थोड़ी सी जो है आपको प्राइस में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको जो ये 32-33 हज़ार में आपको ये वैक्यूम क्लीनर मिलने वाला है। अब पांचवा और आखिरी जो वैक्यूम क्लीनर निकल के आता है वो टाइनको ब्रांड की तरफ से Pure One S12 Pro। और दोस्तों ये एक ऐसा वैक्यूम क्लीनर आपको मिलता है जिसमें बैटरी कैपेसिटी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है आपको, लेकिन थोड़ा सा प्राइस इसका ज़्यादा है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए ज़्यादा टाइम तक चलने वाला कोई ऐसा कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर चाहिए तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि अगर फीचर के बारे में बात की जाए तो पहला दोस्तों यहाँ पर 2500 mAh का आपको दो बैटरी यहाँ पर मिलता है और टोटल जो रन टाइम है इसका आपको 100 मिनट तक चलेगा, यानी कि जो आपको ऑलमोस्ट जो है 2 घंटे से थोड़ा सा कम आपको ये चलने वाला है। इसके अलावा इसमें आपको दो अलग अलग जो है यहाँ पर ब्रशेज मिलते हैं, पहला जो है डायरेक्ट ड्राइव एलईडी ब्रश मिलता है, दूसरा जो है यहाँ पर सॉफ्ट रोलर एलईडी ब्रश भी आपको देखने को मिलने वाला है। साथ ही इसमें आपको अलग अलग आपको टूल मिलते हैं इसके साथ। साथ ही ये वैक्यूम क्लीनर की अगर कीमत के बारे में बात की जाए तो ये आपको 34-35 हज़ार की कीमत पर आपको ये अमेजोन में देखने को मिल जाएगा और ये आता है आपको 1 साल की वारंटी के साथ। तो ये तो कुछ ऐसे 5 बेहतरीन कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर अलग अलग प्राइस सेगमेंट के हिसाब से। वैसे ये जितने मैंने आपको वैक्यूम क्लीनर बताए सारे के मैंने बाइंग लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, इनमें से आपको कोई पसंद आता है आप जाकर डायरेक्टली चेक करके आप खरीद सकते हैं अमेजोन से। और इनमें से कौन सा पसंद आया नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। और मेरा जो पसंद है दोस्तों ये चारों पांचों वैक्यूम क्लीनर में से, इनमें से दोस्तों मुझे पहला जो वैक्यूम क्लीनर जो अगारो ब्रांड का है वो मुझे काफ़ी पसंद आया, क्योंकि उस वो कीमत के हिसाब से दोस्तों उसका जो ओवरऑल फीचर है मुझे काफ़ी जस्टिफाइड लगा। और जितने भी ब्रांड अभी मार्केट में अवेलेबल है उस प्राइस सेगमेंट के साथ 15-16 हज़ार के हिसाब से वो जितना सारा उसमें फीचर आपको अवेलेबल है वो किसी ब्रांड में आपको देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही उसकी मोटर की कैपेसिटी मुझे काफ़ी पसंद आई, काफ़ी पावरफुल वो वैक्यूम क्लीनर ब्रांड ने बनाया हुआ है। तो वैसे आप अपना दोस्तों जरूर मुझे चॉइस बताइएगा कौन सा आपको वैक्यूम क्लीनर पसंद आता है। और इसके अलावा अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलता है आपको अगले वीडियो में। इस वीडियो आखिर तक बने रहने के लिए, अपना प्यार बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।